उत्तर प्रदेश के महोबा का जिला अस्पताल किसी न किसी वजह से चर्चाओं में बना ही रहता है, लेकिन इस बार महोबा का यह जिला अस्पताल अजब गजब मामले को लेकर चर्चा में बना हुआ है। दरअसल जिला अस्पताल में इलाज तो एक रुपए में होता है, लेकिन अस्पताल परिसर में बने शौचालय का इस्तेमाल करने पर मरीजों और तीमारदारों को 10 रुपए तक देने पड़ते हैं। अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिला अस्पताल की तरफ से इस मूलभूत सुविधाओं पर जिम्मेदारों का ध्यान तक नहीं जा रहा। इस वजह से यहां इलाज करवाने आ रहे गरीब लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिला अस्पताल परिसर के अंदर बने शौचालय में मरीजों से 5 और 10 रुपए लिए जा रहे हैं। गजब है ना, जहाँ राज्य सरकार 1 रुपए के पर्चे पर गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है, तो वहीं उन्हीं अस्पतालों में बने शौचालयों का इस्तेमाल करने पर मरीजों और साथ आए तीमारदारों को 5 से 10 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। बता दें कि 1 रुपए में पर्चा बनने के बाद राज्य सरकार की तरफ से मरीजों को दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं, लेकिन शौच के लिए मरीजों को 10 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। लैटरिन गए तो वहाँ पे 5 रुपए लग रहे हैं, यहाँ पे फ्री इलाज हुआ 1 रुपए में। ऐसे में क्या कहेंगे सरकार से, पैसा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में पैसा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। अब आदमी एक बार मरीज है, 2-4 बार आता है तो कहा लो पैसा दे 5-5 रुपए। अच्छा इलाज कराए हो, कितना पैसा लगा है? इलाज में नहीं लगा, पैसे गोली दे दी है तो अब बोले सही हो जाएगा। लैटरिन आओ पैसा लगे आपके? पैसा मंगाए थे मैंने, कह दी पैसा अस्पताल में दें कितने दे हैं? अस्पताल में इलाज निःशुल्क हो रहा है, पैसे नहीं आप साहब पैसा नहीं लग रहे हो, शौचालय वाले पैसे मांग रहे हैं। हाँ ऐसे में अस्पताल में अगर शौचालय है तो पैसा लगना चाहिए, फ्री होना चाहिए? अब पैसा लगना होते तो हमें मतलब पाँव बाहर होते पैसा दे तो जावे, तो हम नहीं है तो काय का पैसा। बड़ा सवाल ये है कि अस्पताल के परिसर के अंदर बनाए गए सुलभ शौचालय में जाने पर भी लोगों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? इसके लिए आप नगर पालिका से संपर्क करिए, उन्होंने कुछ उसका ठेका दिया है तो उसकी उसमें उसका इसलिए उसका ज्यादा ले रहा है वो पैसा। सर अस्पताल परिसर की जमीन में शौचालय बना हुआ है, उसके बावजूद भी नगर पालिका ने ठेका कर दिया, कहाँ का समझ इसमें न्याय है? ये तो नगर पालिका से आप संपर्क करो, वही बता पाएंगे क्या क्यों कराए ठेका।